नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुमप्रीत कौर और आप देख रहे हैं मास टीवी। आज हम आए हैं MLK PG कॉलेज, जो कि तराई के ऑक्सफर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मिस्टर JP पांडे सर का, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो सर, आप बताइए, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हम लोग को, इतना कीमती टाइम दिया। तो सबसे पहले सर, आप ये बताइए कि आपकी प्रिंसिपल तक की जर्नी, जैसे स्टार्टिंग से लेके आप जहाँ प्रिंसिपल बने हैं, तो वहाँ पे आपने क्या क्या छोड़ा पीछे, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी, मैं प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे, वर्तमान में MLK PG कॉलेज बलरामपुर का 23 अक्टूबर 2021 से प्राचार्य हूँ। इसके पूर्व मैं मूलतः बलरामपुर जनपद के श्री दत्तगंज कस्बे के बगल खरदौरी ग्राम स्थित है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा वहीं लोकल एक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दारी चौरा है, वहाँ से उत्तीर्ण की थी। इंटरमीडिएट मैंने 1992 ईस्वी में MPP इंटर कॉलेज बलरामपुर से उत्तीर्ण किया है। साथ ही साथ BSc मैंने 1995 में इसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया और उसके बाद में MSc फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने किया है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से 1997 में किया है। हमारे जो भी परीक्षा के मार्क्स रहे हैं शुरू से ही अपने बारे में, हालांकि यह कहना बहुत उचित नहीं है कि मैं मेधावी छात्र रहा हूं, लेकिन सब डिस्टिंक्शन के साथ 75% मार्क्स से ऊपर मैंने सारे परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। साथ ही साथ मैंने दिसंबर 1997 में CSIR JRF नेट की परीक्षा होती है, जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए ज़रूरी होती है, दिसंबर 1997 में ही उत्तीर्ण कर ली थी और उस परीक्षा में मेरा इंडिया में सेकंड रैंक था और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से इंटरव्यू लिया गया था। मेरा हॉलैंड में PhD के लिए हुआ था, परंतु मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी खरदौरी में ही स्थित एक हाई स्कूल में टीचर थे, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, परिवार उसके लिए नहीं तैयार हुआ। उसके बाद 2 बरस तक मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में JRF रहा हूँ। उस दौरान मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी है, मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, 3 बार मैंने PCS में इंटरव्यू दिया है, फिजिक्स मैथ से मैंने दिया था, 2 बार वहाँ पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन जो है अकाउंट्स सर्विसेज में होने के कारण मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा। फिर सितंबर 2000 में मेरा आयोग से फिजिक्स सब्जेक्ट में उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ और मैंने MLK PG कॉलेज बलरामपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट में 1 जनवरी 2001 को कार्यभार ग्रहण किया। शुरू से जो है मैंने अध्ययन अध्यापन पर अत्यंत जोर दिया है, साथ ही साथ अभी तक मेरे सुपरविजन में 4 स्टूडेंट्स को PhD डिग्री अवार्ड हो चुकी है, 2 शोध छात्र हमारे अंदर शोध कर रहे हैं। सबसे जो यह है बेसिकली कि हम यहाँ से रहते हुए भी मैंने बाहर से भी पढ़ाई पूरी की, साथ ही साथ सदैव अध्ययन में रहने के कारण अभी जो प्राचार्य की परीक्षा हुई थी, उस प्राचार्य की परीक्षा में रिटर्न जो लिखित परीक्षा है उसमें लगभग हाईएस्ट मार्क्स मेरे रहे हैं और मेरा उत्तर प्रदेश में 8वीं रैंक थी, लेकिन चूंकि यह गृह जनपद होने के कारण मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में अपना योगदान प्राचार्य के रूप में दे रहे हैं। सर, ये जान के तो बहुत खुशी हुई। अब आप ये बताइए कि जब से आप प्रिंसिपल बने हैं, तब से आपने इस कॉलेज के लिए क्या क्या काम किए हैं अभी तक? हाँ, प्राचार्य बनने के उपरांत सबसे बड़ा जो मेरा फोकस रहा कि जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, उसके अंतर्गत मैंने लगभग अपने 2 वर्ष के सेवा काल में ही 6 नेशनल सेमिनार मैंने कराए हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय में वनस्पत शास्त्र विषय में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया। साथ ही साथ जो है हमने अपने टीचर्स को रिसर्च एक्टिविटीज़ में उनको जो है एक्टिवेट करने के लिए रिसर्च प्रमोशन स्कीम लॉन्च की, उसके अंतर्गत हम अध्यापकों को जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और क्लासेस में जो है हमने ध्यान दिया कि छात्रों की उपस्थिति रहे, महाविद्यालय में अनुशासन बना रहे, कोई कक्षा उनकी छूटनी न पाए तथा टीचर्स के साथ जो है अपने स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बढ़े इस मामले में। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हालांकि यह चीज़ तो बाहर हमारे छात्र बता सकते हैं, समाज बता सकता है, लेकिन मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है कि टीचर में और छात्रों में इंटरेक्शन बढ़े, छात्रों को एक अच्छा वातावरण पठन पाठन का मिले, चाहे लाइब्रेरी में किताबों को ले लीजिए या आप सूचना केंद्र है वहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और पूरे महाविद्यालय में जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, बच्चे जो है अध्ययन कर सकते हैं। वह जो है हमारे सूचना केंद्र में रीडिंग रूम है महाविद्यालय में बना हुआ है, वहाँ पर भी अध्ययन कर सकते हैं और मैं छात्रों से मिलता जरूर हूँ। आप देखेंगे तो जो है कोई भी छात्र आता है अपनी समस्याएँ लेकर के, तो उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ।
तो सर अभी और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी अभी एमएलके कॉलेज में? अभी मेरा यह प्रयास होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्तमान में जो फैकल्टी है, चार फैकल्टी कार्यरत है, एजुकेशन, कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स, अभी हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर भी SCAG कृषि संकाय के अंतर्गत मान्यता ली जाए। आगे चल कर के विधि संकाय को भी खोलने की योजना है और हमारा यह प्रयास होगा कि एकेडमिक गतिविधियाँ हमारी और बढ़ें। महाविद्यालय को कतिपय कारणों से 2021 में NAC द्वारा बी ग्रेड मिला हुआ था। मेरा यह प्रयास है कि NAC के असेसमेंट में हमारे महाविद्यालय को A+ या A++ ग्रेड प्राप्त हो और आगे चल करके महाविद्यालय को ऑटोनोमस जो है एक स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है। और दूसरे जो कि बाहर से भी जो हमारे MOU हों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग कॉलेजेस के साथ, ताकि जो है हमारे छात्र छात्राओं को लाभ मिले, हमारे छात्र भी दूसरे विश्वविद्यालयों में जाएं, दूसरे कॉलेजेस में जाएं, इंस्टीट्यूशंस में जाएं। और इवन अब तो मैं यह भी प्रयास करता हूं कि जो हमारी अलग अलग कंपनियां हैं वह भी हमारे छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दें। अभी कैंपस सिलेक्शन के अंतर्गत पिछले साल मेरे लगभग 18 छात्र छात्राओं को जो है जॉब मिला है। और अभी जो है महामहिम राज्यपाल महोदया जी आई थी श्रावस्ती में समीक्षा के दौरान, अपना महाविद्यालय पूरे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का इकलौता महाविद्यालय था जहां कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, इस पर उन्होंने अत्यंत खुशी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, यहां पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इसको आप प्रमोट करिए। तो इस तरीके का हमारी ये योजना है। तो सर जैसे पहले की जनरेशन्स में टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे मींस हर एक चीज़ में, और आज की जनरेशन में लोग कहते हैं कि टीचर्स को फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जी ये तो है ही है। एक तो देखिए कि पहले के जनरेशन्स में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे बच्चों के अध्ययन के साधन थे वह भी सीमित थे, हम किताबों से ही पढ़ सकते थे। आज के ज़माने में जैसे बेसिकली हम अपने बारे में ही बताएं, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था, अगर कोई एक सवाल फिजिक्स का नहीं लगता था तो परेशान रहते थे, कई किताब की दुकानों पर जाते थे, सर्च करते थे। तो इस वहाँ पर जो है जो टीचर से इंटरेक्शन दूसरे तरीके का था। अब देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम है, हमको अध्ययन के लिए ढेर सारे साधन उपलब्ध हैं, अभी इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आपकी आती है आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा बात जो टीचर का जो दिशा है वो इस हिसाब से चेंज हो गया है कि हम छात्रों को पहली बात तो यह बताएँ कि वो अपने समय का उचित उपयोग कैसे करें। जैसे उनको सीखना है तो वो उसमें कमी नहीं है, ज्ञान की कहीं कमी नहीं है, ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है पूरे इंटरनेट मीडिया पे। कोई चाहे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेकर के कुछ भी, आप अगर एक एसे लिखना है तो आप इंटरनेट पे 10 तरीके का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। हमको यह देखना है कि हम अपने अध्ययन में सिलेक्टिविटी कैसे आए, हम क्या पढ़ें, अपने समय का चयन कैसे करें, सबसे बड़ी बात जो है यही है कि हम जो है उचित तरीके से। तो टीचर को इस ये गाइड करना आवश्यक है कि इस साइट पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप इस रिसर्च पेपर से पढ़ सकते हैं या इस तरीके का कोचिंग मटेरियल अच्छा होगा। तो यह भी हम टीचर्स की भूमिका इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। ठीक है सर। तो जैसे सर आप जिस पोजीशन पे हैं, इतनी अच्छी पोजीशन है आपकी, तो स्टूडेंट्स आप तक कैसे पहुँचे, मींस वो क्या ऐसा चीज़ करें जो आप जैसे बने वो? छात्राओं को मेरी एक तो सलाह है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करें। जैसे मैं बताऊं, बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे कुछ बनना है। यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का आपके दिमाग में रहेगा तो उसके अनुसार फिर उसी के अनुसार आप मेहनत करिए। और सबसे बड़ी बात है समय का, कि कैसे आप जो है हम अपने टाइम को बांटें, हमारा जो लक्ष्य हो उसमें हम अपने समय को किस तरीके से उपयोग करें, कहाँ पर। आप तो आजकल देखेंगे आप इंटरनेट मीडिया में ही तमाम बच्चों का समय अलग अलग गतिविधियों में चला जाता है। हम चाहें तो अपने समय का प्रॉपर जो है उपयोग कर करके आगे बढ़ सकते हैं। पहले की तुलना में कुछ चीज़ें तो बहुत ही आसान हो गई हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है गांव पे भी रह करके बच्चा चाहे तो कहीं बाहर का भी किसी लाइब्रेरी के मटेरियल्स का स्टडी कर सकता है, वो सब कुछ देख सकता है। बशर्ते यह है कि उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर जो उसका गोल हो उसको गोल को पाने के लिए अपन कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि इसको पाने के लिए हम किस तरीके से मेहनत करें, क्योंकि देखें अब केवल हार्डवर्क मायने नहीं रखती है, स्मार्ट हार्डवर्क कहा जाता है कि मायने रखती है। आप हो सकता है कठिन परिश्रम करें लेकिन आपका डायरेक्शन सही ना हो तो वो आपको उस तरीके से सफलता ना मिल पाए। तो ये हमारा स्टूडेंट्स को है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने गोल तय करिए, गोल को तय करने के साथ ही आप स्मार्ट तरीके से जो है ये सोचिए कि हम इस गोल को पाने के लिए कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्या करें। और जो है एग्जामिनेशन में कोई भी होता है उसके परीक्षा के पेपर्स के पैटर्न को भी देखने पर आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरीके से अध्ययन करें। अगर हम जो है एक अपना जो समय प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवरऑल अपने बड़ों में, अपने पूर्वजों में ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए, सफलता मिलती जरूर है मेरा मानना है, निराश नहीं होना पड़ता है। जी शुक्रिया सर।
तो सर, हमने जैसे सुना है कि आप पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मीन्स इतना प्रेस्टीजियस कॉलेज आपका, आप उसमें पोजीशन है आपकी, प्रिंसिपल हैं आप, तो आप क्यों जाना चाहेंगे आप पॉलिटिक्स में? वहाँ भी एक जो इस दायरे पर हैं, अभी हमने अपने थोड़ा सा पास्ट में हम बताना चाहेंगे, 2013-14 में एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी मैंने सिद्धतगंज में बनवाया था। तो उसके पीछे यह था कि समाज के कई तबके के लोग हैं जो अभी भी पैसे के अभाव में अध्ययन नहीं कर पाते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के आप वहाँ क्षेत्र में जा करके आप लोग पता कर सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक मदद किया है, यहाँ भी हम अपने MLK कॉलेज में, जब से मैं प्राचार्य हुआ हूँ, मैं निडी बच्चों का बहुत मदद करता हूँ। तो राजनीति में जाने का एक मकसद यह है कि आप जानते हैं कि बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिले हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर या आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, चाहे सड़कों के मामले में हो, हम सभी पीछे हैं, उस तरीके का विकास नहीं हो पाया है। तो अभी तो हम क्षेत्र में जाता हूँ और इसको देखते हैं, तो हमारे दिमाग में है कि यदि कहीं कोई ऐसी चीज़ मिलती है, अच्छा, जब आपके हाथ में कुछ होगा तभी आप मदद कर सकते हैं, निश्चित सी बात है। यदि आप आज में प्राचार्य न होता तो मैं बच्चों की मदद नहीं कर सकता था। इसी तरीके से यदि समाज में भी राजनीतिक रूप से कभी नेतृत्व करने का मौका हमको मिलता है तो मेरा यह प्रयास होगा कि हम अपने इस क्षेत्र का विकास कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और कुछ ऐसा कार्य किया जाए ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो सके। यही हमारे जो पीछे सोच है, इसी सोच को लेकर के मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सर, आप एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को, आपके स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ इंस्पायर कीजिए ताकि वो सही लाइन पकड़ लें, जो गलत लाइन पे वो भी सही लाइन पकड़े, जो सही लाइन पे तो और आगे बढ़े। जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं, हम कहेंगे अर्ली कि वही फिर चीज़ आती है कि आप सपने देखिए। शुरुआत में हर मनुष्य साधारण ही होता है, वह असाधारण बनता है तो अपनी प्लानिंग से कि, और जो है सपने देखने से। आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा आप होना चाहिए कि हाँ, मैं यह कर ले जाऊँगा, इसका विश्वास पहले अंदर आपके अंदर पैदा हो कि मैं यह कर सकता हूँ। आप लक्ष्य निश्चित करिए और लक्ष्य के को पाने के लिए जी जान से लगे रहिए, कठिन परिश्रम करिए, समय का प्रबंधन करिए, और जो है अपने समय को हमेशा प्रयास करिए, अच्छे लोगों से संपर्क आपके स्थापित होते जाएँ, और हमेशा अच्छे बुरे में जो है फ़र्क करना आज के युवाओं को सीखना चाहिए कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए नहीं ज़रूरी है, मेरे समय का सदुपयोग हो रहा है या मेरे समय का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब हमारे अंदर ये ऑब्जेक्टिविटी आएगी, हम अपने गोल को लेकर के कार्य करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए हम समूह के अंदर कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का समावेश हो, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश हो, और हमारा समाज आगे बढ़े और हम अपना योगदान राष्ट्र के निर्माण में भी कर सकें, राष्ट्र में भी हमारा कुछ न कुछ योगदान हो, एक अच्छा मनुष्य बन सकें। यदि इन सब विचारों के साथ हम जीवन में मेहनत करते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर जरूर सबके जीवन में अच्छे दिन दिखाएंगे और लोग आगे बढ़ेंगे, इससे एक अच्छे सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना अच्छा अच्छा हम लोग को आपने नॉलेज दिया और अपना कीमती टाइम दे दिया हम लोग को। तो हम होप करते हैं कि अगर कोई कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो आप फिर से थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको कुछ बताना चाहेंगे फिर से? जी जी बिल्कुल, अगर कोई हमकारा तो संदेश है, साथ ही साथ हम लोग तो पूरे टाइम यहाँ अवेलेबल रहते हैं, छात्रों से मिलने में मुझे कभी संकोच नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि यदि मेरे किसी सलाह से या मेरी किसी राय से किसी का जीवन संवर सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा और मुझे सदैव इसके लिए उपलब्ध रहना चाहिए। यही सोच यह भी है कि समाज में भी यदि मैं अपना कोई योगदान कर सकता हूँ तो मुझे इसको करना चाहिए और मैं प्रयास जरूर करूँगा।